कैसे बैठे भाई कैंप करके, एक इधर बैठा एक उधर बैठा। भाई यहाँ पे देखना है। भाई ये बंदा इससे भी ज्यादा तेजी से हेडशॉट मारता है। ये भाई अपने सोविक डी, ये वाली वीडियो को ना फुल वॉच करो, तुम्हें पता चलेगा भाई ये प्लेयर किस लेवल खेलता है, मजा आ जाएगा। सोविक डी ये एक ऐसा नाम है जो कि अपने क्लचेस के लिए और अपने वॉइस ओवर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बट इस वाली वीडियो में यहाँ पे बहुत दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम खुद देखो क्या हुआ इस मैच में। गाइस 30 किल कर रहे हैं भाई सोविक भाई ने, और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है। हमें फिर से देखना पड़ेगा भाई कैसे कैसे मारे। ये सोविक भाई है। उसकी बात को मैं ज्यादा नोटिस भी नहीं करता हूँ, पर इस बार भाई बंदे ने जो बोल दिया था लिटरली मैं अपने माइंड में ले चुका था। दो सिनेरियो आगे चल के बन सकता है, एक तो वो मेरे को मारेगा नहीं तो मैं उसका फाड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ जॉर्जियो सिटी पे आस पास ढेर सारे बंदे जाते हैं लोग। भाई सब बंदे हैं, नीचे भी बंदा था, सीधे आ चुके हैं उसके ऊपर। जल्दी से ऊपर की तरफ जाता हूं, चारों तरफ से गंदे तरीके से पड़ रहा है। जो चैलेंजेस वाले बंदे थे अनएक्सपेक्टेड था, बस वो सामने की बिल्डिंग में उतर गए थे, शायद हमारे पैराशूट वगैरह देख लिए थे उन्होंने। बस फिलहाल के लिए स्मोक यार्ड पे आ गए यहां तो। अरे एक नॉक निकाला, सही दिया नॉक, तुरंत ही नेट कूक करके सामने की तरफ डाल दो। हीलिंग के लिए कुछ भी सामान भी नहीं था, और सामने चैलेंजेस वाले बंदे, इनके हाथों तो बिल्कुल भी मार स्ट्रेटजी के लिए खेलता हूँ। नीचे बंदा टिम्बे को कॉल देके अंदर की तरफ बुला लेता हूँ। ओके एक डाउन हुआ यहाँ पे, बहुत सही। दूसरा कैंपर तू ये ओ अभी भी बोल रहा है, वॉल पे अभी भी बोल रहा है पिटने के बाद भी। भाई ये क्या नशे करके बैठा था भाई बंदा, मेरे को एक बात बताओ, बंदा ऑलरेडी पिट चुका है जिसको वो फालतूबाजी कर रहा था उससे ही। तू अभी वही रुक, मैं तेरे को मारने। अरे ओ खात में सोविक डी भाई है वो। इनको फिलहाल के लिए तो खत्म कर देते, पर आगे चल के कोई सीन भी होने वाला है। पर उससे पहले सामने एक बंदा दिख चुका था मेरे को, मैं जब नीचे की तरफ आता हूँ ये गया भाई, क्या सही रिफ्लेक्स दिखाया भाई। वो बंदूक का फिर से रिकॉल हो चुका था, वो इस बार अलग अलग डायरेक्शन से हमारे ऊपर हमला करने वाले थे। हाँ। इस बार हम भी तैयार थे फिलहाल के लिए। फिलहाल हाँ ओ भाई सही है ये भाई, सही बताऊं ये एडिटिंग ना मेरे को बहुत खतरनाक लगती है भाई सही में। पिछली बार मैंने ये वाली बात को कवर करा था कि सोविक डी भाई की एडिटिंग है ना जो, वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, और ये एडिटिंग स्टाइल काफी ज्यादा हेल्प करता है वायरल होने में वीडियोस में। खतरनाक सीन है भाई ये, आगे देखते हैं। सीधा कट मार दिया यहाँ पे। ओके नाइस, ग्रेट, जल्दी वाह बहुत सही। हाँ अच्छा, जो भी हो जैसा तैसे करके इनको खत्म तो कर देते, चाहे मैं हेल भी नहीं हो पाता। अबे 16 किल कैसे हो गई भाई इतनी जल्दी, 3-2 मिनट भी नहीं हुए भाई वीडियो शुरू हुए, 16 किल भाई क्या मार रहा बंदा। हमने से एक और स्क्वाड आ रहे थे, यहाँ पे मॉली डाली। ओके ओके वहां पे पेला भाई बंदे को, ऊपर भी एक बंदा है ठीक है। अरे भाई 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 यार भाई कसम से एक बात बोल रहा था मैं कि कसम से मैं जब गेम प्ले बनाता था ना तो मैं भी ऐसी एडिटिंग करने की ट्राई करता था सही में सोविक डी भाई की देखकर, और मस्त लगती थी यार मेरे को सही में। और यही साउंड लगाता था, एक साउंड होता था सोविक डी भाई टन 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 ऐसा कुछ करके होता था, तुम्हें अगर याद हो तो वो साउंड मैं भी लगाता था भाई, मज़ा आता था सही में। अब मैं गेम प्ले नहीं बताता हूँ तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ एडिटिंग, ना तो मैं भी ऐसे ही करूँ भाई इंटेंस थोड़ा सा बनाने के लिए। इसको मारते तो शायद इवेंट क्लियर भी हो सकता है, पर ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था। नेट डाला, बंदा रश कर रहा है मेरे को, इसको मार गया ना आराम से। आ
टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ, फिर आराम से बोलेंगे फाइनली, हक के साथ बोलेंगे फाइनली हमने पूरे इवेंट के ऊपर चढ़ा कर दिया। निकलने की कोशिश कर रहे थे सामने से गंदे तरीके से पड़ते, जहाँ पे स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से बनाते जिसमें सामने की तरफ जाके एक नेट ऊपर की तरफ डालता हूँ। भाई वॉइस ओवर है ना जो हुई गया, फूटेगा इससे बंदा, गारंटी गारंटी। शायद एक बंदों को हल्का सा डैमेज पड़ जाता है और बंदे अपना पोजीशन होल्ड कर लेते। कैसे बैठे भाई कैंप करके, एक इधर बैठा एक उधर बैठा, अब ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से भाई। बंदे को अच्छा खासा डैमेज पड़ चुका था, मैं बॉडी डालते बंदे नीचे तो छलांग मारने वाले थे, इसका एडवांटेज लिया एक जंप करके। नाइस एंड मेरे को यार कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने लिखा था कि वो नॉन जायरो प्लेयर है इसलिए वो ऐसा लगता है स्क्रीन की कट मार रहे। नहीं यार ऐसा नहीं है ब्रो, वो है कट मैं मानता हूँ और वो खुद भी मेरे ख्याल में बोलेंगे इस बात को, बट इसमें कुछ गलत नहीं है ब्रो, सिंपल सी। मैंने पिछली बार भी ऐसे ही बोला था गलत नहीं है, इस बार भी ऐसे ही बोल रहा हूँ कि गलत नहीं है, उसमें बढ़िया है भाई। अपनी वीडियो को इंटेंस बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते भाई, क्रिएटर्स कुछ भी करो भाई, अपनी वीडियो चलनी चाहिए भाई, है ना। यही एक अपना सोर्स होता है अपना अर्निंग का, वीडियो से मेन, तो उसके लिए हम बेस्ट बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। मैं खुद होता सोविक भाई की जगह मैं भी यही करता भाई, सिंपल सी बात है। एंड पिछले वाली वीडियो में कमेंट भी करा था भाई ने अपने कि अनबायस्ड रिएक्शन, तो मेरे को सही लगा यार कि हाँ हेल्दी क्रिटिसिज्म था जो कि समझ आया उनको भी, तो अच्छा लगा मेरे को। हेलो ऐसा कैम्प कौन करता है भाई, कैंपर था गे? ओ मारा भाई चक्कू पीछे। ये अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे भी बंदे हो सकते हैं, ऐसे वाले टीममेट पकड़ के उनको थोड़ा वो ट्रोल भी कर लेता कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम लोग बैठ के, पर जैसे जैसे करके इनको खत्म करके हम रोजन के रेंज के ऊपर चले जाते। सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, सामने एक और बंदा दिखता भाई यहाँ पे देखना। ये मौके का फायदा लेते हुए जस्ट ये पेड़ के पीछे से थोड़ा सा प्रोन होते हुए आगे की तरफ जाता हूँ। अच्छा एक परफेक्ट सा नेट करने की कोशिश करता हूँ भाई, ये लग गया ना अगर परफेक्ट नेट मजा आ जाएगा भाई, बम से फूट। अरे भाई कुछ करूँ क्या इस बार, मैं उनको चकमा देते हुए उनके पीछे के हिस्से में आ जाता हूँ, इसका मुझे काफी एडवांटेज होने वाला। एक नॉक निकाला नीचे बंदा, क्या बेवकूफ बंदा था भाई, अरे भाई बेवकूफ का बच्चा, कर देता भाई क्या बेवकूफ का बच्चा है। एनिमी बड़ा आवाज हुआ था, टीममेट तो भाई जोन के अंदर चला जाता है, अनफॉर्चूनेटली बंदों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। जैसे लो चुके हैं भाई बंदे के, मैं यहां पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूं। ओहो भाई भाई क्या बचा है, अब सेफ है बंदा फिलहाल। टीममेट सामने की तरफ एक नॉक निकाल चुका था, फिलहाल हमारा स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा बनता है, मेरे टीममेट का क्लोन जाके सामने उनका लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और मेरे को लोकेशन मिलते ही एक यहां पे फिनिश निकाल देता हूं, जस्ट प्री फायर करते करते आगे की तरफ जाता हूं। जैसे तैसे फाइनली हक के साथ बोलेगा फाइनली हमने पूरे रंगल के ऊपर झंडा गाड़ दिया। ग्रेट भाई यहाँ पे तो एक किल रह गया बस 30 किल से, बट हम देखने वाले हैं क्या सोविक भाई इस वाले गेम प्ले में करेंगे 30 किल। लेट्स गो, मजा आ रहा भाई देखने में, क्यों ना देखूं। जाना भाई किधर उतरेगा आज का कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होता है, एक ऐसे स्क्वाड के साथ हम बैठ जाते हैं यहाँ पे सर्वाइव करना अबाउट टू इम्पॉसिबल था, पर हमें निकलने के लिए कैसा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ एंट्री होता है इवेंट पे, आसपास ढेर सारे बंदे, मैं भी करके देखूंगा एक बार, मैं भी करके देखूं। फिलहाल यहाँ पे एंट्री होता है चॉर्च पुल में, आसपास ढेर सारे बंदे। जल्दी से शॉटगन मिला, सामने की तरफ बंदे वगैरह थे, दैट्स व्हाई विदाउट वेस्ट हेलमेट मैं रश करने के लिए तैयार था। ऊपर नीचे दोनों तरफ से फुस्ट मिल रहा था, ठीक है। भाई कितना क्या बोलूं भाई बंदे के बारे में, पहले आके नीचे वाले बंदे को खत्म करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लोड वगैरह करके रीलोड वगैरह करके जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ
अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले बंदे को और कोई खत्म कर देता है। यहाँ तक सारा सिचुएशन सही था। जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ यहाँ पे वही भाई, ये बंदा इतना टैलेंटेड कैसे है, मुझे बस इतनी सी बात बता दो, सिर्फ इतनी सी बात बता दो भाई। ये खेलता भी अच्छा है, ठीक है, ये एडिटिंग भी अच्छी करता है। इस बंदे ने ऐसे से बंदा ऐसा हो गया एकदम यूं भाई। मोटिवेशन क्या बात कर रहे हो, मोटिवेशन कैसे नहीं मिलेगी भाई। चैलेंजेस वाले बंदे थे, यहाँ पे कुछ गलती चलते हैं, खेल पूरा बिगड़ने वाला था। क्या बात कर रहे हो, सामने बंदा स्पॉट हुआ, अभी देखो क्या डीपीएस। ओ अरे हाँ, ओ एक और आगे पीछे भाई, बच गया बच गया, देख रहा मेरी बचा लिया। अरे भाई नहीं बचा पाया टीममेट यार, टीममेट बैकअप देगा, पीछे वाले बंदे को खत्म करेगा, देना चाहिए था यार टीममेट को। वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी हमारे पास लूट वगैरह भी कुछ भी नहीं था, यूएमपी के भरोसे यहाँ पे मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला था। सीधे यूएमपी के साथ बंदों के मुंह पे कूदता हूँ, सामने मेरा मम्मी सूट लेके भाग रहा है बंदा। मम्मी सूट भाई, क्या चोर आदमी है भाई ये, क्या चोर बंदा है भाई। अरे भैया लिटरली ये बंदे 1 एचपी पे थे, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा नहीं सोचता हूं, सीधे ऊपर रश कर रहा था। अरे ओ भाई नशे में खेल रहा था ये वाला बंदा। नाउ फिनिश, ये फिनिश डाला इसको, स्क्वाड को खत्म कर देते हैं। देखते हैं ये बंदे आगे रिवेंज लेने के लिए आते हैं कि नहीं। उससे पहले सामने नेट वगैरह हो रहा था, अभी देखो भाई। कटाना मस्त चीज थी वैसे यार, बहुत तगड़ी चीज थी कटाना यार। भाई ये गलती हो सकती थी बट नहीं थी ये गलती। ओह बचा बचा भाई, कैसे बंदा क्या करके मानेगा। ट्राई करना था मेरे को बचाने का। अच्छा भाई का नाम ही जम्मा है क्या, वो फिनिश भी हो जाता। अभी देखो बहुत सही, I don't know सामने कितने बंदे हैं, आगे की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है। ओ नाइस, मेरी जान। ओ, भाई बचा, क्या बचा भाई, क्या बचा। बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया था, इसको पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे जाते जाते ये फिर से जॉर्जियो सिटी की तरफ जा चुका था, इसके पीछे पीछे हम भी यहाँ पे आ जाते हैं। पर हमें ये नहीं पता था कि इनका पूरे पूरे स्क्वाड होंगे यहाँ पे। फिलहाल भाई एकेएम से स्प्रे क्या सही मारा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बचा। यहाँ पे कंप्लीटली रोटेशन देने की तैयारी कर रहा था, पर बंदों ने मेरे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया था। पर जैसे तैसे करके जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ यहाँ पे देखो क्या होता है। वो जब राइट में बंदा नहीं दिख रहा भाई, भाई हेलो सामने भी है। ओके नाइस, 22 हो चुके भाई यहाँ पे, पता नहीं कैसे हुए किल 22, समझ में ही नहीं आया भाई, इतनी जल्दी जल्दी मारा कुत्ते की तरह पेला भाई बंदों को। फिलहाल जैसे ही हम इवेंट के अंदर आते हैं यहाँ पे स्पॉट होता है कि एक बंदा आ चुका है आसपास, और तुम्हें सामने एक बग्गी भी दिखता है। जॉन यहीं पे आ गया, बग्गी भाग देखो खत्म किया, पीछे से गंदे तरीके से पड़ गया। उधर जाना है हॉस्पिटल साइड, इंटेंस हो रही है भाई पूरी पूरी फाइट, इंटेंस। ओ
भाई क्या डीपीएस चलाई, क्लियर होता है हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहां पे वैसे कट हुआ थोड़ा सा, स्किन्स वाले बंदे मैं बता रहा हूं बस, मतलब इनको तो जैसे तैसे करके खत्म कर देते हैं। पीछे की तरफ से एक व्हीकल आ रहा था, एक पीछे गाड़ी खाएगा बंदा, बहुत सही खाया, दूसरा भी खाया, डेड। यही बचा है गाड़ी। मैं टीममेट को कॉल देता हूँ कि जल्दी से इसको भाई कैसे उड़ा रहा है हवा में गाड़ी, तुरंत ही हमें मैं वेव सूटर का यूज करके जल्द से जल्द उसके क्लोज रेंज पे आ जाता हूँ। बंदा सामने की तरफ यहाँ पे शायद टीपी ले रहा है, मैं जल्दी से आगे गया फिलहाल। उसको हल्का सा चैलेंज वैलेंज टाइप देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ओ, ये कर दूंगा ना, कि यार प्लीज एक 35 स्किल के प्लस का गेम प्ले बनाओ ताकि मैं उस पर रिएक्ट कर सकूं। सिंपल मैं अपने लिए अपना फायदा, यस। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हाँ बट अगर 35 के ऊपर किल्स आती तो काफ़ी इंटेंस भी रहेगा मेरे ख्याल में मैच, और ज़्यादा तगड़ा मजा भी आएगा डी आर्मी को देखने के लिए वो, ठीक है तो मज़ा आएगा यार, करो यार भाई प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है हमारी छोटी सी। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर से जरूर बता दो, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना मेरे चैनल को, ऐसी खतरनाक खतरनाक रिएक्शन लाता रहता हूँ, लाइव करता हूँ अपने चैनल इसी वाले चैनल पर भी रोज रात को 9-10 बजे के आसपास, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीस आउट।